गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 1000 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 बजे के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के सभी थानों में दर्ज एफआईआर की कॉपी अब पुलिस पहुंचाएगी वादी के घर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने की बैठक। कहा, शासन की योजनाओं का किया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, उद्यमियों की समस्याओं का अधिकारी शीघ्रता से करें निस्तारण। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रिका यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय व भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है नई शिक्षा नीति। मंगलवार को हरतालिका तीज के दृष्टिगत महिलाओं ने पूजा के सामानों की खरीदारी। हाथों पर लगवाया मेहंदी। महिलाओं ने कहा, पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ के स्मृति में व्याख्यान माला के 5वें दिन राजनीति विज्ञान व नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक है नाथ पंथ। दीवानी न्याय परिसर का सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीसीटीवी सिस्टम को किया चेक। न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चोरी के आरोप में एक अभियुक्त रक्षा बासफोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 25 किलो का एंगल व 6 किलो एल्युमिनियम का तार किया बरामद, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नव निर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। नव निर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, चुनौती के साथ जिम्मेदारियों का करूंगा निर्वहन। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जनपद में जोरों से बनाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्तियां। मूर्तिकारों ने कहा, महंगाई की वजह से छोटे गणेश जी की मूर्ति की है ज्यादा डिमांड, बड़े गणेश जी की मूर्ति की बहुत कम हो रही है बिक्री। और राष्ट्रीय खेल दिवस एवं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। कहा, प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस सरकार में सरकारी नौकरी भी है पक्की। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में शामिल होने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया।
जिसमें 1000 फरियादियों के मुख्यमंत्री ने फरियाद सुनी तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फरियाद सुनने के दौरान एक महिला फरियादी के पास एक छोटा बच्चा था, जिसको देखने के बाद मुख्यमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए। उनका बाल प्रेम एक बार फिर सामने आ गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट दिया और महिला की फरियाद को सुना। उसके बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया। लगभग 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जनपद में FIR कॉपी पुलिस घर पहुंचाएगी, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि DIG के निर्देशानुसार मंडल के सभी थानों में जो FIR लिखी जाएगी उसको बीट कांस्टेबल व हॉक घर पहुंचाएगी या मोबाइल नंबर के माध्यम से उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिससे FIR कॉपी लेने के लिए आवेदक को इधर उधर घूमना ना पड़े। उन्होंने बताया कि इस तरह से बीट कांस्टेबल को क्षेत्र में होने वाले क्राइम की जानकारी रहेगी, जिसको गोरखपुर शहर में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में एवं आसपास के जनपदों पर DIG महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसी अनुक्रम में प्रत्येक FIR जो लिखी जाएगी वो बीट कांस्टेबल या हॉक के माध्यम से जो भी विक्टिम हैं या फिर जो एप्लीकेंट हैं उनके आवास तक पहुंचाई जाएगी या फिर उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल पर डिलीवर की जाएगी, ताकि एप्लीकेंट को इधर उधर ना घूमना पड़े। और दूसरा, इसके माध्यम से BPOs को भी अपने क्षेत्र में होने वाले क्राइम की जानकारी रहेगी। और ये व्यवस्था ऑलरेडी शहर में गोरखपुर शहर में लागू हो चुकी है एवं इसको और भविष्य में प्रभावी बनाया जाएगा। थैंक यू। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें और उपायुक्त उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कर उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें, शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि उसका लाभ पात्र जनों को समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बंधु का गठन किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने गीरा क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की प्रगति के संबंध में समीक्षा के दौरान बताया कि इस क्षेत्र में गारमेंट पार्क, IT पार्क, होटल मैनेजमेंट,
फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कॉरिडोर, कैंसिलेशन एवं अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट लैंड इन गीडा, गोरखपुर, लिंक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान आदि मामले प्रस्तावित हैं। गारमेंट पार्क के संबंध में बताया कि सेक्टर 26 भीटी रावत में गारमेंट पार्क के अंतर्गत 101 भूखंडों का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया, जिसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों का साक्षात्कार समिति द्वारा किया गया, जिसके विज्ञापन के सापेक्ष 74 आवेदनों में से 56 आवेदकों के पक्ष में भूखंड का आवंटन किया गया था। 19 आवंटी द्वारा भूखंड समर्पण कर दिया गया है। अवशेष भूखंडों के विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, आईएएस प्रशिक्षु शाश्वत त्रिपुरारी सहित उद्यमी उपस्थित रहे। एक्सटेंशन जो गीडा लेता है 2 साल के बाद, अगर 2 साल आवंटन के बाद उद्योग लगाने का समय दिया जाता है, जैसे 2 साल पूरा होता है 1% लैंड वैल्यू के बाद 1 साल लग जाता है। इंजीनियर नहीं है और बोर्ड मीटिंग तो पहले आपको उससे पहले सर इस पर डिस्कशन हो जाए तो दिक्कत ही नहीं होगी। हो जाता है सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। दूध पूर्व में धीरे धीरे सर टाइम एक्सटेंशन मार देंगे। ये कहते हैं कि फ्लैटी रिक्वेस्ट करेगा मिनिमम 1 मंथ होगा, 1 महीने से कम समय नहीं होगा। अगर हम 2 महीने का इलाटी के बीच पहले 1 साल का था 6 महीने का था मिनिमम 1 मंथ का, उसको हमने रिलैक्स करके अब हो गया है मंथली मिनिमम 1 मंथ का लेना पड़ेगा। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रिका यादव पुत्र मेदर यादव निवासी ग्राम संगत पोस्ट बनकटा थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, दीपक कुमार यादव, चंदन भारती, प्राकुल शामिल रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषयक पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के महासचिव उमाशंकर पचौरी ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पवित्र भूमि है, जहां संतों ने आध्यात्म के बल पर वर्षों के अनुसंधान के बाद जीवन की आधारशिला के प्रतिमान स्थापित किया। इसी मार्ग को नई शिक्षा नीति भी उजागर करती है। योजना पूर्वक अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण व्यवस्था में प्रशिक्षण, कार्यशाला, वर्कशॉप जैसे शब्दों को डाला, ये हमारे इतने अंदर तक बैठ गया कि इसके बिना काम नहीं चलता है। हमारा ऐसा मानना है कि प्रशिक्षण केवल जानवरों को दिया जा सकता है, जिनके पास सीमित विकल्प होते हैं। एक मानव के पास किसी बिंदु पर अनंत विकल्प होते हैं। इसे देखते हुए ही आनंदशाला की जरूरत पड़ती है। नई शिक्षा नीति भी इसी व्यवस्था पर फोकस करती है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, देवेंद्र पवार,
आचार्य विनय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रणाली की नहीं रही है। भारत हमेशा
वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली की अर्थव्यवस्था का पोषक रहा है और इस नाते यहाँ महंगाई का संकट, यहाँ मुद्रा स्फीति का संकट, यहाँ कर्ज का संकट जैसा विषय खड़ा ही नहीं होता कभी। जनपद में मंगलवार को हरतालिका तीज के दृष्टिगत व्रत रहने वाली महिलाओं ने महानगर में दुकानों से पूजा के सामान की खरीदारी की। इसके साथ ही महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। आपको बता दें कि महिलाएं हरतालिका तीज पर भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप व तपस्या व व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं हरे रंग का कपड़ा पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, जिसके संबंध में पूजा का सामान खरीदने वाली महिलाओं ने बताया कि तीज का त्यौहार पतियों के लिए होता है। तीज के दिन पति के लंबी आयु के लिए व्रत रहते हैं। यह व्रत भगवान शिव के लिए पार्वती जी ने
की थी, उसी के उपलक्ष्य में यह तीज का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि तीज में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तथा सिंगार का सामान, फल सहित सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं सस्ती सवरती हैं। इस पर्व में महिलाएं 24 घंटे का व्रत रहती हैं, जिससे उनके पति की उम्र लंबी हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रत का सामान खरीदने वाली महिला किरण सिंह व मनीषा दीक्षित ने कहा, व्रत रहते हैं हम लोग। तीज एक सुहाग का वो होता है, व्रत है, और ये व्रत पार्वती जी शंकर जी के लिए की थी, वही जो है कि सारी औरतें करने लगी थी। क्या चढ़ाया जाता है इसमें? सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, सारी सुहाग की सामान चढ़ाई जाती, बिछुआ, पायल, सब कुछ। हाँ, मेहंदी शुभ होती है, मेहंदी लगाते हैं हम लोग, सजते संवरते हैं। मनीषा दीक्षित, तीज हम लोग अपने पति के लिए रहते हैं और निर्जला व्रत है हम लोग का, और 24 घंटे व्रत रहने के बाद हम लोग इसका पारण करते हैं, और पति को इसमें आज के दिन हम लोग भगवान मानते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी भाई, पति है तो तभी हम लोग के लिए सब कुछ है, पति भगवान ही। हाँ, क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? फल फूल, मीठा, गुजिया, और जितना पकवान हो सके, जो सक्षम है, जैसा सक्षम है उस हिसाब से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 1000 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 बजे के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के सभी थानों में दर्ज एफआईआर की कॉपी अब पुलिस पहुंचाएगी वादी के घर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने की बैठक, कहा शासन की योजनाओं का किया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, उद्यमियों की समस्याओं का अधिकारी शीघ्रता से करें निस्तारण।
नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रिका यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय व भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है नई शिक्षा नीति। मंगलवार को हरितालिका तीज के दृष्टिगत महिलाओं ने पूजा के सामानों की खरीदारी, हाथों पर लगवाया मेहंदी। महिलाओं ने कहा, पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है हरितालिका तीज का व्रत। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ के स्मृति में व्याख्यान माला के पांचवें दिन राजनीति विज्ञान व नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक है नाथ पंथ। दीवानी न्याय परिषद का सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सीसीटीवी सिस्टम को किया चेक। न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चोरी के आरोप में एक अभियुक्त रक्षा बासफोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 25 किलो का एंगल व 6 किलो एल्युमिनियम का तार किया बरामद, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नव निर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। नव निर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, चुनौती के साथ जिम्मेदारियों का करूंगा निर्वहन। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जनपद में जोरों से बनाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्तियां। मूर्तिकारों ने कहा, महंगाई की वजह से छोटे गणेश जी की मूर्ति की है ज्यादा डिमांड, बड़े गणेश जी की मूर्ति की बहुत कम हो रही है बिक्री। और राष्ट्रीय खेल दिवस एवं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत, कहा, प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस सरकार में सरकारी नौकरी भी है पक्की। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ के स्मृति में व्याख्यान माला के पांचवें दिन राजनीति विज्ञान नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज की उन्नति में राष्ट्र उत्थान प्रतिबिंबित होता है। जब यह समाज ऊर्ध्वगति से कार्य करता है तो राष्ट्र उन्नति करता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त जाति की जड़ता, छुआछूत की विषमता, अमानवीय रूढ़ियों की बेड़ियां और आडंबर के जाल से मुक्त कराने हेतु किए सामाजिक क्रांति की शंखनाद नाथ पंथ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक एवं संवाहक नाथ पंथ है। आज भी गोरक्षपीठ इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महायोगी गोरखनाथ पहले तपस्वी हैं, जिन्होंने विशुद्ध योगी एवं तपस्वी होते हुए भी सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व किया। उनके बाद महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ से होते हुए योगी आदित्यनाथ तक नाथ पंथ की इस योगी परंपरा ने प्रत्येक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों का मुखरता के साथ प्रतिकार किया। नाथ पंथ की परंपरा में विश्व का सर्वोच्च नाथ पंथी केंद्र गोरखनाथ मंदिर के कपाट सदैव सभी के लिए खुले रहते हैं। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका सिंह, इंद्रेश पांडे, डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, श्रीमती निधि राय सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, जब मुझसे कहा गया कि इस व्याख्यान माला में आपको अपने विचार रखने हैं, तो निश्चित रूप से मुझे एक दुविधा की स्थिति पैदा हुई मेरे मन में कि क्या मैं इतनी महान विभूति के बारे में या वो जिस संप्रदाय से आते हैं उसके बारे में कुछ नया अपना कुछ मौलिक विचार रखने में समर्थ हो पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इसके साथ ही मुझे खुशी भी हुई, प्रसन्नता भी हुई कि मुझे इस शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय ने ऐसे विषय में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ शोध किया और जैसा कि अभी इंद्रेश जी ने बताया कि मैं पत्रकारिता से शिक्षण में आया। मैंने करीब 13-14 साल पत्रकारिता की, उसके बाद मैं अध्यापन के क्षेत्र में आया। तो मुझे यहाँ आने के बाद जो आम लोग गोरखपुर के बारे में, नाथ पंथ के बारे में, श्री गोरखनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, उससे कुछ आगे जानने की
जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हुई और मैंने मंदिर गया। मैं वैसे तो एक जो है भक्त की तरह जब से बचपन से ही मैं जाता रहा हूँ, लेकिन एक शोधार्थी की तरह, एक शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति की तरह मैं पहली बार गया। ये 7 दिनों तक चलने वाली गोष्ठी है महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में व्याख्यान वाला, उन्हीं के नाम पे ये महाविद्यालय है और वो इसके संस्थापक भी है। और इसकी स्थापना के 1 महीने बाद ही वो ब्रह्मलीन हो गए थे। तो प्रतिवर्ष हम लोग 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक 1 सप्ताह ये कार्यक्रम चलाते हैं। आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सन्यासी की आंदोलन और सन्यासियों की भूमिका। इस पर व्याख्यान देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह हमारे बीच हैं और वो अपने विचार रख रहे हैं। अब आज तो राष्ट्रीय आंदोलन पे हुआ, कल का जो विषय था वो शिक्षा संस्कृति और राष्ट्रीयता पे था। एक दिन उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, एक दिन जो है तकनीकी शिक्षा में जो है तकनीकी विकास और कौशल इस पर केंद्रित रहा, तो आज 5वां दिन है और आज का विषय जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सन्यासियों की भूमिका। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कैंट पुलिस के साथ दीवानी न्यायालय परिसर का डॉग स्क्वाड टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने न्यायालय परिसर का डॉग स्क्वाड टीम के साथ कैदियों को रखने वाले लॉकअप चारों गेट का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही न्यायालय परिसर के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर एवं डीएफएमजी मशीन को भी चेक किया तथा ड्यूटी पर न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे सहित डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने कहा, केस पर न्यायालय की रूटीन चेकिंग कराई गई है, जिसमें न्यायालय परिसर, हवालात, पार्किंग सभी जगहों पर एएस और टीम और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग कराई गई है। थाना कैंट की भी टीम मौजूद रही है, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है और ये चेकिंग हमेशा होती रहेगी। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को 4 फाटक रेलवे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रक्षा बासफोर पुत्र स्वर्गीय नगीना बासफोर निवासी 132 KB पावर हाउस कॉलोनी मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 25 किलो का एंगल, 7 फीट एल्यूमिनियम का तार, वजन करीब 6 किलो के साथ गिरफ्तार किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह, कांस्टेबल अशोक कुमार शामिल रहे। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद राप्ती नगर जीप एवं गोरखपुर क्षेत्र के द्वारा कचहरी बस स्टेशन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतिक चुनाव में नवनिर्वाचित प्रांत उपाध्यक्ष महेश कुमार राय और प्रांतीय प्रतिनिधि तिलक राम दुबे एवं प्रांतीय प्रतिनिधि एवं मंडल अध्यक्ष जय प्रकाश दुबे का कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने बताया कि
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक चुनाव हुआ है, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री द्वारा मुझे प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस पद को जिम्मेदारी और चुनौती के साथ निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री विनोद तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, प्रांतीय सदस्य लाल चंद्र मौर्य, शाखा मंत्री मनोज कुमार, मनीष श्रीवास्तव, कन्हैया सिंह, गणेश मिश्रा, मनोज दुबे, अरविंद, ओम प्रकाश, विपिन राय सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, कृपया आए अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष आइए अपने महेश कुमार राय, प्रांतीय उपाध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। ये रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री द्वारा मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। मैं इस बहुत बड़े पद को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सामने चुनौती के साथ, जो परिवहन निगम के ऊपर है वो बड़ा संकट का है, ये जिम्मेदारी बहुत ही कठिन है, परंतु इस गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की ताकत के ऊपर मैं प्रांतीय नेतृत्व को भरोसा देता हूँ कि निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करूँगा। जहाँ तक परिवहन निगम के ऊपर ये संकट है कि 4 वर्षों में आज एक भी गाड़ियाँ खरीदी नहीं गई, जबकि प्रतिदिन मेरी 3 गाड़ी कबाड़ा हो जाती है। मैं एक डिपो, इसी डिपो की बात करूं तो इस डिपो में 32 गाड़ियां साधारण हैं, जो 26 गाड़ियां 10 लाख से ऊपर और 10 वर्ष से ऊपर वो चल रही हैं, उनके किलोमीटर की संख्या 17 से 18 लाख है, जो नीलाम योग्य हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं इस पर जो क्षेत्र में इस तरह की त्रुटियां हैं, मैं प्रांतीय नेतृत्व के सामने और उच्च प्रबंधन के सामने ऐसे बिंदुओं को उठाने का काम करूंगा और यह मैं मांग करूंगा कि जो हमारे बकाए हैं उन बकायों का भुगतान किया जाए और परिवहन निगम जो संकट से गुजर रहा है, जो आने वाले दिनों में हमें 24 का चुनाव है और 25 महाकुंभ है, इसके लिए हमें नई बसों की आवश्यकता है और यह मेरी मांग है कि कम से कम 400 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी इस परिवहन निगम को अनुदान के रूप में देने का कष्ट करें, ताकि परिवहन निगम अपने रफ्तार में दौड़ने का कार्य करे। जनपद में गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जोरों पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको देखते हुए जनपद के मूर्तिकार भगवान गणेश की छोटी व बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। जिसके संबंध में मूर्तिकार रितेश प्रजापति ने बताया कि इस बार सबसे ज्यादा छोटे गणेश की डिमांड है, लोग अपने घरों में छोटे गणेश को बैठाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से मूर्तियों की ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से लोग छोटे गणेश जी को खरीद रहे हैं। बड़े गणेश की डिमांड बहुत कम है, लेकिन कमाई पिछले साल से इस बार थोड़ी ठीक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्तिकार रितेश प्रजापति एवं स्वामीनाथ प्रजापति और आशीष प्रजापति ने कहा, सामान हमने
जाएंगे। यूट्यूब पे आओ भैया तो भैया मेरा नाम है रितेश प्रजापति। गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, गणेश चतुर्थी आने वाला है, इस समय क्या डिमांड है? इस बार तो सर जैसे के कोरोना के महामारी चक्कर की वजह से अभी गणेश जी जैसे हम लोग पहले कोरोना नहीं था तो हम लोग पहले बड़े बड़े गणेश जी बनाते थे, अब इतनी महंगाई भी हो गई है, बड़े गणेश जी ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं छोटे गणेश जी लेकर घर में पूजा विसर्जन, सारा चीज का दिक्कत है विसर्जन करने का। क्या डिमांड लोगों की क्या है इस समय? डिमांड इस समय सारे गणेश जी छोटे ही बिक रहे हैं, बड़े में कोई नहीं आ रहा। स्वामीनाथ प्रजापति चतुर्थी आ रहा है, आप लोग गणेश कितने सालों से बनाते रहे, इस समय कितनी डिमांड है लोगों की? हम लोग यही करीब 15 साल से जो है बना रहे हैं। लोग इस समय किस तरह की डिमांड है? इस समय लोग जो है अधिकतर करके छोटी मूर्ति जो है डिमांड कर रहे हैं, महंगाई की वजह से जो है हर आदमी सोच रहा कि अपना उसी में हमारा पूजा पाठ हो जाए और सारे काम उसी में निपट जाए। जो है लगभग कितनी आमदनी हो जाती है मूर्ति? आमदनी ठीक ठाक हो जाती है मूर्तियों से? आमदनी तो इस वक्त एकदम बेकार चल रहा है, महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। जो है हर आदमी सोच रहा कि अपना कम में व्यवस्था हो जाए, जो है वही सबसे बढ़िया है। पिछले साल और इस साल के में कितना अंतर आया मूर्तियों की खरीदारी में? पिछले साल से तो खैर ठीक ठाक है इस वक्त दुकानदारी उन लोगों का, अगले साल से जो है। मेरा नाम है आशीष नाम है। सालों से मूर्ति बना रहे हैं, इस समय लोग क्या डिमांड है, किस तरह की मूर्ति है भैया? जैसे कि इस टाइम तो मूर्ति मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, लमसम मोटी मोटा कम से कम 6-7 साल मतलब ऊपर से बना है। हमारे दादा परदादा पहले काफ़ी टाइम से बनाते थे तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग देख के मतलब हम भी लोग सीख गए थे काम करना, तो हम लोग भी अपना मूर्ति का काम करते हैं। डिमांड अभी फिलहाल कस्टमर तो वैसे नहीं है गणेश जी के, लेकिन आगे हो सके कस्टमर हैं, अभी 2 दिन का टाइम और है तो कस्टमर हो सके चलें। पिछले साल और इस साल में कितना अंतर आया मूर्ति में खरीदारी? अभी जैसे कि कोविड के टाइम में जैसे दिक्कत चल रहे थे तो अभी इस पर थोड़ा है कस्टमर है मतलब अपने पास, लेकिन बहुत लोगों का मूर्ति बचा भी है मार्केट में। ये भी बता रहा है ज़्यादातर छोटे मूर्तियाँ लोग बैठा रहे हैं। हाँ, गणेश जी की प्रतिमा जो होती है ज़्यादातर छोटे भी बैठाते हैं, बाकी माता जी की जो प्रतिमा होती है उसमें लोग अब लोगों के मन चाह के हिसाब से होता है, कोई 10 फीट का लेता है, कोई 8 फीट का, कोई 2 फीट का, कोई 5 फीट का, कस्टमर अपने हिसाब से डिमांड करता है उस हिसाब से रेडी करके दिया जाता है। स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस बारे में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि आज पूरा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है गोरखपुर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और खेल जगत में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 सालों में इस गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई भी युवा खेल जगत में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वह स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए खेल जरूरी है। अगर युवा मन से खेल जगत में भाग लेगा तो इस सरकार में उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी पक्की है।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भजन सम्राट नंदू मिश्रा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर एवं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा। ताली बजाते रहो, अपना नाम बोलते रहो। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। पैर नहीं छोड़ बेटा, हम ताली बजाते रहिए सब लोग। आप क्या करो, जो इसका नाम बोला जा रहा है किसान भी रहे चली जाओ चली जाओ। अरे जल्दी जल्दी चाहो तो पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम सुन लें। Thank you.
पूरा इधर देखना बेटा व्यक्ति करो व्यक्ति करो सभी लोग ऐसा है आज यहाँ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस मनाया जा रहा है मेजर ध्यानचंद जी की याद में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने खेल को इतना बढ़ावा दिया है कि बच्चों में जो जागृति आई है अब खेल के प्रति वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है और हम लोग इसी के तत्वावधान में तैराकी करा रहे हैं प्रतियोगिता छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का इन सबों के उत्साहवर्धन के लिए खेल दिवस में आज़ादी के अमृत महोत्सव के फलस्वरूप हम लोग ये प्रतियोगिता करा रहे हैं और ये दूर दूर से बच्चे आए हैं इनके बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए तैराकी सबसे उच्च कोटि की मानी गई है खेल जिसमें एक एक रोए का भी एक्सरसाइज होता है। मैं इसको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि तैराकी सिर्फ एक ऐसा खेल है जिसको इंसान को सिखाना पड़ता है नहीं छोटे छोटे जानवर भी अगर आप पानी में फेंक दें छोटे चूहे बच्चे को भी पानी में फेंके तैरने लगता है लेकिन इंसान ये है जो इसे सिखाना पड़ता है और तैराकी ऐसा खेल है जिससे रोए रोए का एक्सरसाइज होता है इससे बड़ा एक्सरसाइज कोई है नहीं और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब गोरखपुर की ये तरक्की हो रही है तैराकी जगत में फिर से 1960 में मेरे परम पूज्य पिताजी आए थे तैराकी यहाँ पर उन्होंने शुरू किया था मेरे परम पूज्य पिताजी पंडित श्री राम जी मिश्र जी ने फिर मेरे बड़े भाई अरुण कुमार मिश्रा अजय कुमार मिश्रा जो सभी लोग हम लोग सब लोग इंटरनेशनल तैराक रहे चौथी पीढ़ी हमारी अंजनी कुमार मिश्रा की यहाँ बहुत से तैराक हैं संतोष हैं और बहुत से लोग हैं यहाँ संध्या है सभी बच्चे लगे हुए हैं तैराकी को उन्नति के लिए और आज हमारा ये मेहनत सफल होगा ये मेरा परम विश्वास है। 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और हर ज़िले में हॉकी का एक कॉम्पिटिशन बच्चों का किया जाता है क्योंकि आज दादा ध्यानचंद जी की जन्मदिवस है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि दादा ध्यानचंद जी जो एक बहुत बड़े हॉकी के विजर्ड थे और बहुत बड़े महान खिलाड़ी थे तो उनके याद में आज ये हॉकी का कंपटीशन हर ज़िले में होता है यहाँ भी हो रहा है रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में। इसके साथ ही साथ स्विमिंग का भी कंपटीशन हो रहा है और कुश्ती का भी चल रहा है। इन ये सभी कंपटीशन जो हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हैं एक खेल कल्चर और एक खेल संस्कृति को डेवलप करने के लिए यहाँ किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें आए भाग ले रहे हैं जो बच्चे इसमें विनर्स होंगे रनर्स होंगे उनको सभी को पुरस्कार खेल विभाग द्वारा दिए जाएंगे। ये एक आज का जो दिन है विशेष रूप से फिट इंडिया के रूप में भी मनाया जाता है। ये 2019 में फिट इंडिया के रूप में घोषित किया गया था और पूरे जितने भारत में रहने वाले लोग हैं एक मैसेज है कि सब लोग फिट रहें ताकि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए और वो एक जब स्वयं फिट होंगे जिस जॉब पे होंगे वो अपना काम अच्छे से करेंगे और अल्टीमेटली जो है हमारा जो ये राष्ट्र है वो आर्थिक रूप से और हर रूप से संपन्न होगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और खेल दिवस के अवसर पर हमें सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आज यहाँ रीजनल स्टेडियम में स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी की याद में
उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर हॉकी का आयोजन किया गया था, यहाँ पर कुश्ती भी हुई है तहसील स्तरीय, तो उसी में हम लोग यहाँ पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में आए थे। क्योंकि ध्यानचंद जी को कोई भूल नहीं सकता है और आज खेल दिवस है, पूरा भारतवर्ष आज खेल दिवस मना रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, चाहे आप स्वास्थ्य को, शिक्षा को, चाहे खेल के क्षेत्र में, अब लग रहा है कि वाकई में हम एक स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। हर क्षेत्र में योगी जी आप देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर कूड़े कचड़े भरे रहते थे, लेकिन पूज्य महाराज जी ने जब से सत्ता संभाली है, गोरखपुर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, उसी में इस क्षेत्रीय क्रीड़ांगन का भी परिवर्तन हुआ है। अभी हाल में इस पर कुछ पैसा जीर्णोद्धार के लिए भी स्वीकृत हुआ, जिसका काम चल रहा है। तो निश्चित है आगे 4-4.5 साल और है, गोरखपुर में और भी बहुत से विकास के कार्य हो जाएंगे और खेल जगत में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हमको लगता है कि इस 5 सालों में गोरखपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी मिलने वाला है। खेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित है हमारे युवा साथी जब तक आप किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता का, क्षेत्र का, जिले का सम्मान बढ़ाने के लिए खेल के किसी न किसी आयोजन में आप भाग लेते रहें, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, तो निश्चित है वो युवा अगर मन से काम करेगा तो इस सरकार जो चल रही वर्तमान में उनको आगे चल के उनकी नौकरी भी पक्की है। जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा हो रही है और योगी जी के नेतृत्व में आप देखें पूरे प्रदेश में कहीं भी आज के डेट में नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से लड़कों को नौकरी मिल रही है, तो निश्चित है इन नौजवानों का भी भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 1000 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 बजे के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के सभी थानों में दर्ज एफआईआर की कॉपी अब पुलिस पहुंचाएगी वादी के घर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने की बैठक। कहा शासन की योजनाओं का किया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, उद्यमियों की समस्याओं का अधिकारी शीघ्रता से करें निस्तारण। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रिका यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय व भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है नई शिक्षा नीति। मंगलवार को हरितालिका तीज के दृष्टिगत महिलाओं ने पूजा के सामानों की खरीदारी। हाथों पर लगवाया मेहंदी, महिलाओं ने कहा पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है हरितालिका तीज का व्रत। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ के स्मृति में व्याख्यान माला के 5वें दिन राजनीति विज्ञान व नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक है नाथ पंथ। दीवानी न्याय परिसर का सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने कैन पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीसीटीवी सिस्टम को किया चेक, न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चोरी के आरोप में एक अभियुक्त रक्षा वासफोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 25 किलो का एंगल व 6 किलो एल्युमिनियम का तार किया बरामद, भेजा जेल। उत्तर
प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नव निर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। नव निर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, चुनौती के साथ जिम्मेदारियों का करूंगा निर्वहन। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जनपद में जोरों से बनाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्तियां। मूर्तिकारों ने कहा, महंगाई की वजह से छोटे गणेश जी की मूर्ति की है ज्यादा डिमांड, बड़े गणेश जी की मूर्ति की बहुत कम हो रही है बिक्री। और राष्ट्रीय खेल दिवस एवं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। विजयी खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। कहा, प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस सरकार में सरकारी नौकरी भी है पक्की। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।